अब हम बनाने जा रहे हैं हिमाचल की बहुत फेमस रेसिपी जो कि कुल्लू में ज्यादा फेमस है। इसका नाम है सिड्डू। मैं भी थोड़ी तैयार हो जाती हूँ सिड्डू बनाने के लिए। ओके ऑलराइट। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसे बनाने के लिए क्योंकि ये बहुत ही फेमस और ट्रेडिशनल रेसिपी है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए है आटा। इसके अंदर जाएगा यीस्ट, थोड़ा सा सॉल्ट। अब पानी के साथ ना मुझे हमेशा लगता है इसके अंदर हमें डालना चाहिए थोड़ा सा घी। तो मैं हमेशा इसके अंदर थोड़ा सा घी डालती हूँ। अब हम इसे गुनगुने पानी के साथ इसका आटा गूंथ लेंगे। और इसको अब हम फूलने के लिए रख देंगे किसी गर्म जगह पर। यहाँ पे ये देखिए ये फूल चुका है और हम इसी आटे के साथ अपने सिड्डू बनाएंगे। सिड्डू एक स्टीम बन है जिसके अंदर हम नमकीन जो फिलिंग है वो डालते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे लोग पॉपी सीड्स यानी कि खसखस जो होते हैं उसके साथ अलग अलग मसालों के साथ उसकी स्टफिंग करते हैं। और चाहें तो आप जैसे हम बना रहे हैं थोड़ा पुदीना थोड़ा धनिया थोड़े सूखे मसालों के साथ भी इसकी फिलिंग तैयार कर सकते हैं। तो ये है हरा धनिया, पुदीना, अखरोट। तो ये हमने जो हमारे पास अखरोट थे, पुदीना है, धनिया, ये सबको इकट्ठा अच्छे से पीस लिया है। इसको हम निकाल लेते हैं एक बोल में। इसके अंदर जाएगा नमक, ये है कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। अब इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब आती है असली बारी और वो है इस फिलिंग को, इस खुशबूदार फिलिंग को इस सिड्डू के अंदर भरने की। छोटे छोटे प्यारे से सिड्डू जाएंगे स्टीम होने के लिए 10 से 15 मिनट तक। तो इसको अंदर डालने से पहले थोड़ा सा घी लेंगे, इसमें थोड़ा सा घी फैला लेंगे ताकि सिड्डू को निकालने में आसानी मिले। ये लीजिए, वाओ। हमें 15 मिनट तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा ये हिमाचली सिड्डू खाने के लिए। मुझसे रुका नहीं जा रहा है स्मिता, आई रियली कांट वेट। मैं इतना भी नहीं वेट कर सकती कि तुम इसको खोल के और निकालो। ओ वाओ, जनरली अगर आप यहाँ पे खाएं तो मैदे से बनाते हैं इसका डो, जो इसका आटा है वो मैदे से लगाते हैं। तो ये थोड़ा हेल्दी वर्जन है क्योंकि हमने आटा यूज़ किया है। मेरे मुंह में तो भाई पानी आ रहा है, मैं रुक नहीं सकती हूँ। और इसके साथ जाएगा इसके अंदर देसी घी क्योंकि उसके बगैर सिड्डू इनकम्प्लीट है। ये लीजिए। तो ये खाएं।